एक स्क्रिप्ट है सौरभ शुक्ला साहब, जिसे आपने 22 साल में लिखा है। 22 साल लगा के मैं उम्मीद कर रहा हूं वो स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। हाँ, आप मेहरुन साहब की बात कर रहे हैं जी, पर आपके ध्यान में कुछ और भी आया तो नहीं, उसकी भी बात करेंगे। हाँ नहीं, मैं रुका इसलिए क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई भी राइटर जो है जब आप उससे कहते हैं कि 22 साल आपने काम किया किसी एक स्क्रिप्ट पे, तो वो एक्चुअली एक स्क्रिप्ट नहीं होती है। आप मैंने हो सकता है कि थिएटर के दौरान कुछ सोचा हो कुछ करने का, जो हो सकता है कि आज मैं उसको कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो उसको मैं 22 साल मानूँ क्या। लेकिन हाँ, मेहरुन साहब मेरी पहली फिल्म स्क्रिप्ट थी जो लिखने के लिए मुझे दी गई थी, और सुधीर भाई ने दी थी मुझे, और वो मेरा पहला काम था। मैं दिल्ली से गया था, मैं पैसों की बात नहीं कर पाता था, तो सुधीर ने मेरे हाथ में 10,000 रुपये रखे थे उस ज़माने में, और बहुत होते थे 10,000 रुपये। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम खाना वाना नहीं खाते हो क्या? तो खाना खाते हो तो खरीदते भी होगे ना, तो उसके तो पैसे मिलने चाहिए। सो एक्चुअली सुधीर टोल्ड मी, ही गेव मी द कॉन्फिडेंस कि आस्क योर मनी वाला भी था, एंड ही गेव मी टू राइट दैट फिल्म। और हाँ, वो स्क्रिप्ट जो है पूरी हो गई है, उसका स्वरूप बहुत बदल गया, लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म। बट इट इज ऑल्सो, वेन यू से कि आपकी स्क्रिप्ट, तो वो एक्चुअली मेरी स्क्रिप्ट नहीं है, वो सुधीर की स्क्रिप्ट है। पर ये है सुधीर भाई का काम करने का तरीका कि वो एक आइडिया लाते हैं, फिर वो साझा करते हैं उन लेखकों के साथ जिनके साथ उनको लगता है कि तादाद में है, और फिर वो चाहे वो गौरव हो और दासदेव की स्क्रिप्ट हो, कई लोगों के साथ उन्होंने वो हमेशा करते हैं। लेकिन जो भी लोग फिल्म राइटर बनना चाहते हैं, ये मेरी सलाह है उनको कि जो राइटिंग का जो ओनरशिप लोग समझते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ पोएट और यू आर अ नॉवल राइटर, यू कैन हैव द ओनरशिप ऑन योर पीस दैट यू हैव रिटन इट, इट हैज जनरेटेड जर्मिनेटेड, वो उसी आपसे पैदा हुआ है। फिल्म में अगर आप सिर्फ राइटर हैं, डायरेक्टर नहीं है उसके, तो आप ये ज़्यादातर ये समझ लीजिए, फिल्म इज नॉट अ प्रोसेस विच इज इन विच द राइटिंग इज ओनली व्हेन यू राइट विद अ पेन और ऑन द लैपटॉप, इट इज अनदर राइटिंग व्हेन यू शूट द फिल्म, दैट इज द टाइम यू आर अगेन राइटिंग, री राइटिंग द फिल्म, एंड देन व्हेन यू आर एडिटिंग यू आर अगेन थर्ड टाइम राइटिंग। एंड दिस वॉज टोल्ड टू मी by Renu Saluja, and that's the time I realized। so जब आप as a writer होते हैं तो आप ये समझ लीजिए, जो फिल्मकार होता है, जो फिल्म बनाता है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी उस आदमी की है जो फिल्म बना रहा है। तो जैसे मेहरुनिसा सुधीर की आइडियोलॉजी, उसमें मैं as a writer सब कुछ करूंगा, अपना क्राफ्ट यूज करूंगा, अपनी आइडियोलॉजी भी लेके आऊंगा, बहस करूंगा, मगर अंततः वो कहानी जो है वो सुधीर की कहानी। इस जवाब में रेणु का जिक्र आया, रेणु सलूजा का, जो सुधीर मिश्रा की संगी थी, संगिनी थी, साथी थी जी, और कमाल की एडिटर थी, और उनका देहांत हो चुका है जी।